इंदौर किशनगंज थाना क्षेत्र में गहने चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल किशनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जब घर में थी तो दो युवक घर में घुस आए और गहने चमकाने की बात कहने लगे। महिला भी उनके झांसे में आ गई और अपने सोने के गहने युवक को सौंप दिए, जिन्होंने महिला को झांसा देकर सोने के गहने रख कर वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी चोरों के चेहरे नजर आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसको लेकर भी पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। इंदौर से ब्यूरो के सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। थाना किशनगंज पर फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की कि दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और बेरे गहने चमकाने है क्या ऐसा पूछा। बाद में जब मैंने उनको गहने दिए और चमकाने के बाद उन्होंने कहा ये आपके गहने हैं, और बाद में जब मैंने अपने उसको पुतली को खोलकर देखा तो उसमें मेरा मंगलसूत्र और अंगूठी नहीं थी, जिस पर से थाना किशनगंज में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है। उम्मीद है जल्दी हम पकड़ लेंगे। सर लगातार घटनाएं हो रही हैं, यानी कि कोई बाहर की गेम हो सकती है? कई सारे बिंदु हैं जिन दिशाओं में पुलिस काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कुछ लीड है, हम जल्दी आरोपियों को पकड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।